विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे शैलेंद्र यादव ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शैलेंद्र यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कांग्रेस और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही झालरापाटन विधानसभा इलाके में होने वाली चुनावी टक्कर को कांग्रेस और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती बताई है। सुनिए, झालरापाटन विधानसभा में रोचक मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस ने जहां रामलाल चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार रहे शैलेंद्र यादव को भरोसा देने के बाद भी इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनसे बात करके जानते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। शैलेंद्र जी, निर्दलीय चुनाव लड़ने की आपने घोषणा की है, क्या कारण रहे जो ये कदम उठाना पड़ा? पूर्व में भी 2013 में भी 2018 में मुझे पूरा आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट देंगे, टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद 2023 में कहा गया, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे मेरा के नाम से 2 बजे करीब टिकट का काटा गया। और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो पूरा मैनेज, मतलब वो एक शेरनी के सामने एक खरगोश को बांध के रख दिया, तो ये दर्शाता है पूरी झालावाड़ की जनता के सामने कि ये नूरा कुश्ती है ना जो 30 साल से चलती आ रही है, ये आगे भी चलेगी। मैं आज भी मान जाता, आज भी चुनाव लड़ता, लेकिन झालावाड़ की जनता का कहना ये है, क्योंकि अगर आप अपनी ताकत को नहीं दिखाओगे जब तक, और वास्तव में राजनीति के अंदर ताकत दिखाई जाती है, ये झालावाड़ की जनता चाहती है कि शैलेंद्र यादव चुनाव लड़ रहा है, झालावाड़ का हर व्यक्ति शैलेंद्र यादव बनकर चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी सामने हैं, वसुंधरा राजे का कद अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है, ऐसे में किस तरह से चुनौती पेश कर पाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, आज एनडीटीवी टीवी के माध्यम से कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़ा करा है, कांग्रेस को लगता अच्छा है। अगर इस कांग्रेस प्रत्याशी को मैंने तीसरे नंबर पर लाके वो विजय अगर मैं हासिल करता हूं, तो ये आप ये निश्चित मानना कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने नूरा कुश्ती किस तरह से की है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं एनडीटीवी के माध्यम से कि इस बार जीत निश्चित सत्य होगी, असत्य पराजित होगा और झालावाड़ गुलामी से मुक्त होगा। ये शैलेंद्र यादव थे जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर नूरा कुश्ती होती आई है, जिसका खमियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, खासतौर पर बेरोजगारी को इन्होंने अपना मुद्दा बनाया, बेरोजगारी को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और अपने लिए वोट और समर्थन मांगेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।